हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं टेक फ्यूल और मैं आपका दोस्त लक्की। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड, सब बढ़िया मजे में इंजॉय, और ऐसे ही आप लोग इस्तेमाल करते रहा करो, अच्छा लगता है। दोस्तों क्या आप एक एयरबड ढूंढ रहे हैं, छोटा सा वायरलेस एयरबड जो कि काफी बढ़िया हो रहा, आपका बजट 2000 रुपए, 2000 रुपए के अंदर माने वाले बेस्ट एयरबड जो कि साउंड से लेकर के सब कुछ में काफी बेस्ट हो, किफायती हो, बैटरी बैकअप अच्छा हो, काफी टिकाऊ हो और सस्ता भी 2000 के अंदर में आ जाए। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट ऐसे एयरफोन जो कि आप 2000 के अंदर में ले सकते हैं। ओवरऑल अपने कैटेगरी में काफी बेस्ट है, बहुत अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ आती है। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वीडियो अंत तक देखने के बाद वहां जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, चाहो तो इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर हम जब भी टेक्स्ट रिलेटेड वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। तो दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, चलना सीधा वीडियो की तरफ, देखते कौन कौन से बढ़िया धातु एयरफोन हमारे जो की महज 2000 रुपए के अंदर आते, ओवरऑल काफी बढ़िया अपने कैटेगरी में। तो दोस्तों इसमें पहला ये हमारा ओप्पो की तरफ से आला ओप्पो इनको W11, जो कि दोस्तों ओप्पो की तरफ से आला काफी स्टाइलिश TWS एयरफोन है। दोनों बड्स पर सिंगल टैप, डबल टैप और टच जैसे होल्डिंग कंट्रोल बटन के साथ आता है जो कि टच करने से ही चलता है। इन कंट्रोल के साथ आप ट्रैक करके चल सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको स्वीप कर सकते हैं, कॉल का आंसर कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। ओप्पो इनको W11 में टाइटेनियम प्लेट डायग्राम के साथ 8mm का डायनामिक ड्राइवर्स लगा हुआ है। इन एयरबड्स के साथ यूजर को इन हैंड्स बेस भी काफी अच्छा मिलता है और ACC ऑडियो फॉर्मेट का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। सेफ्टी के लिए यहाँ पे IP55 की रेटिंग दी गई है जो कि आपको डस्ट और वाटर से काफी इसको सुरक्षित बनाती है। जैसे कि आप जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, तो वहां पर आपका कहीं से खराब नहीं होगा। अब दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करते हैं, सिंगल चार्ज में 5 घंटे तक चल सकता है और केस के साथ 20 घंटे तक चलता है। वहीं फास्ट चार्जिंग के बदले 5 मिनट चार्ज करने पर 1 घंटे चल सकता है, यानी कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। आप अगर 65 वाट या कोई भी वर्क चार्जर लगा के 5 मिनट चार्ज करते हैं तो ये आपका 1 घंटा चल सकता है। इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट दिया गया जो कि ऑब्वियसली फास्ट है। ये कीमत की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 2000 रुपये में मिल जाता है, अपनी कैटेगरी में काफ़ी बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला हमारा नॉइस की तरफ से आला नॉइस का एयरबड्स। ये बहुत स्टाइलिश एयरबड्स है, काफ़ी बढ़िया लगता है नॉइस की तरफ से आला, बहुत ही किफायती, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है ये नॉइस के एयरबड्स में। इन एयर में स्टाइल में काफ़ी बढ़िया TWS है। इस एयरबड्स में आपको गेस्चर कंट्रोल मिलता है जो कि बड्स में SBC और ACC फॉर्मेट का भी सपोर्ट मिलता है। बैटरी बैकअप की बात की जाए, सिंगल चार्ज में 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 4 घंटे 30 से लेकर के आपको 5 घंटे तक, 4.5 तक चल जाता है, 5 घंटे का भी तकरीबन चल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर केस के साथ यूज़ करते हैं तो आपका 20 घंटे चलेगा। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा केस के साथ करते हैं, इसके साथ जो बॉडी मिलती है उसके अंदर भी बैटरी लगी होती है, इसको जब वापस लगाते हैं तो चार्ज करने लग जाती है, तकरीबन 15 से 20 घंटे का उसके अंदर चार्जिंग का होता है जो कि चल जाता है। यहाँ पे अगर प्राइस की बात करते तो 1500 रुपये तक में मिल जाती है। वैसे इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, प्राइस थोड़ी सी अपजान होगी, हो सकती है इसकी, बट इसका भी लिंक स्टिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला हमारा बोट की तरफ से आला बोट एयरड्रॉप 431। बोट की तरफ से आला काफ़ी बढ़िया है, 7mm के ड्राइवर के साथ एक्स्ट्रा बेस दी गई है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 500mAh की बैटरी दी गई है जो कि 10 घंटे तक चलती है। चार्जिंग के लिए इसमें आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया। अन्य फीचर की बात करें तो इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट, IP4X वाटर रेजिस्टेंट और वायरलेस स्ट्रीमिंग के साथ ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। यह बड्स आपको इन स्टाइल और अलग अलग कलर की बात मिल जाएगी। बोट एयरबड्स में 431 ब्लैक, ब्लू और रेड कलर में उपलब्ध है। कीमत की बात की जाए यहाँ पे आपको तकरीबन आपको 2000 रुपये तक मिल जाएगा। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं, यहाँ पे आपको 500mAh की बैटरी दी गई है, 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देगी, 7mm का ड्राइवर जो कि एक्स्ट्रा बेस के साथ आती है। ये भी IP4X वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि आपका पसीना और इन सब चीज़ों में ये खराब नहीं होगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले की तरफ, अगला हमारा बहुत सुपीरियर ब्रांड की तरफ से आला, ये हमारा Realme की तरफ से आला Realme Buds Q2 Neo, जो कि दोस्तों Realme की तरफ से आला काफ़ी बढ़िया किफायती एयरबड्स है। Realme Buds Neo 2 में 10mm का ड्राइवर, बेस बूस्टर ड्राइवर दिया गया, जहां पे आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी दी गई है और ये एक बिना स्टेट डिजाइन वाले इन एयरफोन स्टाइलिश बड्स में से एक है। कलर ऑप्शन की बात की जाए तो ब्लैक और ब्लू कलर में मिल जाएगा,
बैटरी बैकअप की बात करें तो सिंगल चार्ज के साथ केस का 20 घंटे तक चल सकती है। क्विक चार्ज करने के बदौलत 10 मिनट चार्ज करने पर 2 घंटे भी चल सकती है आपकी। चार्जिंग के लिए इसमें आपको माइक्रो यूएसबी चार्ज और क्विक चार्जर की भी सपोर्ट मिली गई है, जो काफी बढ़िया है। अन्य फीचर की बात करते हैं, कॉलिंग के लिए NEC बैच बूस्टर प्लस और भी मोड्स दिए गए हैं। रियलमी लिंक पर काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है, 88 MMS गेमिंग मोड्स इसमें मिल जाएंगे, टच और टैप कंट्रोल भी है। सेफ्टी की बात करो, यहाँ पे IP4S की रेटिंग के साथ आता है, इसमें वाटर रेजिस्टेंट है जो कि काफ़ी बढ़िया बनाती है इसको। कीमत की बात की जाए तो ये आपको तकरीबन 1500 या 1600 तक में मिल जाती है। प्राइस थोड़ी सी अप डाउन होगी लेकिन 2000 के अंडर में ही होगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपका गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा Realme Buds O2 New, जो कि दोस्तों गेमर्स के लिए काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे गेमिंग वगैरह का आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसके अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी है और इंजन्स काफ़ी अच्छा है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला हमारा Bolt Audio Airbuds True Buds पैसिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है, जो कि पैसिव नॉइज कैंसिलेशन बोलते हैं इसको। ये आपका एंटी विंड नॉइज कैंसिल को घटाता है और ये नॉन स्ट्रेम स्टाइल ट्रू वायरलेस स्टीरियो है, जो कि इन एयर स्टाइल वाले डिजाइन से लैस है। बोल्ट ऑडियो एयरबस में आपको ट्रू बर्ड से अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कॉल और म्यूजिक कंट्रोल के लिए डेकोरेटेड बटन दिए गए हैं। इसमें आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि 10 मीटर की रेंज में आता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो सिंगल चार्ज पर यह एयरबस 8 घंटे तक चल सकती है और केस के साथ 3 घंटे का एक्स्ट्रा साइकिल टाइम मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, ब्लैक, रेड, ब्लू और कलर में मिल जाएंगे। सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे IPX7 की रेटिंग दी गई है, जो कि IPX7 की रेटिंग काफ़ी बढ़िया है और ये वाटर रेजिस्टेंट बनाती है। कीमत की बात की जाए तकरीबन आपको 1500-1600 रुपये में मिल जाता है। प्राइस थोड़ी अप डाउन हो सकती है इसकी, लेकिन इस रेंज में आने वाला काफ़ी बढ़िया किफायती एयरबड्स है। वैसे दोस्तों मैं ज़्यादा के बारे में नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वैसे दोस्तों सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का लिंक डाल दे रहा हूँ, जो कि 2000 के अंदर माने वाले एयरबड्स है। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया, इनमें से कोई एक आप परचेज कर सकते हो, जो कि मैंने सारे के सारे देख करके आप लोगों के लिए लिस्ट बनाए हैं। तो दोस्तों कैसे लगे एयरबड्स हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और आपकी नज़र में कोई बेस्ट एयरबड्स हो ऐसा जो 2000 रुपये के अंदर में आता हो और आपको पता हो तो वो भी कमेंट बताए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर सकूं। और दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर में जब भी टैक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, इसी का हमें इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।